कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ईडी और सीबीआई की कार्यवाही को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं वायु प्रदूषण को लेकर भी उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियों के आधे से ज्यादा नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने छापा मारे हैं, लेकिन जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं उन्हें ईडी और सीबीआई भूल गई। अब आप सोचिए कि ये छोटे लेवल के अधिकारी हैं, इनका रेट लिस्ट देखिए 15 लाख, तो इनसे ऊपर क्या दाम होगा, और उसके भी ऊपर जिसके हाथ में ईडी का रिमोट कंट्रोल है उसका क्या रेट होगा। कहीं ना कहीं तो रिमोट है ना ईडी का, हमें भी मालूम है कहां है, आपको भी मालूम है कहां है। तो रेट लिस्ट क्या है ईडी की, ये सार्वजनिक करना चाहिए उन्हें कि साहब 15 लाख ये लेते हैं, 25 ये लेते हैं, और ऊपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा वो कितने लेते होंगे। हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार प्रचारकों का की एक लिस्ट जारी करते हैं चुनाव से पहले। हमारे स्टार प्रचारक और बीजेपी के सरकार प्रचारक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आइए ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है, मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। किशोर कुमार, आप पहले ही हंसते थे, का एक बड़ा मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती, और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ, राजस्थान में ईडी के दो अधिकारी नवल किशोर और बाबूलाल 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे, चिटफंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब ये 15 लाख चीज ही ऐसी अजीब सी पनौती है, ये 15 लाख जिसने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया, सीरियसली ले लिया, वो डूबा। अब बेचारे ये दो अधिकारियों ने भी 15 लाख, और मान लो हमारे मोदी जी ने 15 लाख सच में दे दिए होते लोगों के खातों में, तो ये हमारे जो नवल किशोर जी हैं और बाबूलाल जी हैं शायद नहीं फंसते, कल बच जाते। 15 लाख की पनौती का क्या करें बताइए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।